कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी एवं महासचिव रणदीप सुरजेवाला पहली बार कैथल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सुरजेवाला के स्वागत में समर्थकों की भीड़ इस तरह उमड़ी कि शहर के बीचों बीच स्थित जींद रोड पर जाम लग गया। पिहोवा चौक पर तो कार्यकर्ताओं ने क्रेन से बड़ी माला पहनाकर सुरजेवाला का अभिनंदन किया, साथ ही फूलों की बारिश भी की। अपने संबोधन में उनका पूरा फोकस कर्नाटक के घोषणा पत्र 5 गारंटियों पर रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार पर कटाक्ष किया और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि ये लड़ाई केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की भी है। उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रण ले लिया है कि जब तक मेरी रगों में खून है, मैं कांग्रेस का तिरंगा हरियाणा के सचिवालय में लहरा कर रहूंगा। इसमें मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। मैं आज आपसे ये कहता हूं, हरियाणा में भी हमें केवल सरकार नहीं बदलनी, हमें व्यवस्था भी बदलनी है। अगर हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के आंसू नहीं पहुंच सकते तो हमें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। ये लड़ाई केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ बने, ये लड़ाई इसलिए होनी चाहिए जैसे हमने कर्नाटक में गरीब के लिए सरकार बनाकर दिखाई, किसान के लिए सरकार बनाकर दिखाई, महिला और नौजवान के लिए सरकार बनाकर दिखाई, कांग्रेस की अगली सरकार भी उनकी हो, छोटे छोटे दुकानदार की हो। और उसके लिए जरूरी है कि हाँ, आप सब संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। मैं मेरी बात समाप्त करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने तो अपने सर पे कफन बांध लिया कि जब तक खून का आखिरी कतरा रगों में है तब तक खट्टर और दुष्यंत चौटाला से लड़ेंगे और कांग्रेस का तिरंगा हरियाणा के सचिवालय पर फहरा कर दिखाएंगे। एक एक गांव में जाएंगे, एक एक विधानसभा में जाएंगे, एक एक इलाके में जाएंगे और एक नई कांग्रेस का निर्माण करेंगे, एक नई कांग्रेस का गठन करेंगे। आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।